हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। यानी आज के इस टॉपिक में हम फ्राइड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस फ्राइड की एक वेल नाउन और कंट्रोवर्शियल थ्योरी थी, क्योंकि फ्राइड का मानना था कि हमारी जितनी भी पर्सनैलिटी है वो हमारी एज, यानी हमारी जो चाइल्डहुड की 6 ईयर्स की एज होती है उसी में हमारी जो है पूरी पर्सनैलिटी बनती है। और ये पर्सनैलिटी कुछ स्टेजेस यानी कुछ सीक्वेंस से होके चलती है। अगर ये सीक्वेंस यानी अगर ये स्टेजेस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएँ तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हेल्दी पर्सनैलिटी बनती है। अगर इन स्टेजेस में कुछ फेलियर आ जाए तो हमारी अनहेल्दी पर्सनैलिटी बनती है। फ्राइड का ये मानना था कि ये जो स्टेजेस हैं वो कुछ एरोजीनियस जोन्स पे डिपेंड करते हैं। एरोजीनियस जोन्स का मतलब होता है बॉडी के कुछ ऐसे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं जहां से एक बंदे को सेक्सुअली प्लेजर मिलता है उनकी डिजायर के मुताबिक, स्टिमुलेशन के मुताबिक। अगर वो स्टेजेस अच्छे तरीके से कंप्लीट होते रहे देन तो ठीक है। अगर वहां पे कहीं किसी स्टेज में फिक्सेशन हो जाए तो पर्सनैलिटी जो है अनहेल्दी पर्सनैलिटी बनते हैं। तो दोस्तों, स्टेज नंबर 1 जो है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो बर्थ से तकरीबन 18 मंथ तक है, यानी आप इसको 2 इयर्स तक भी ले सकती हैं। फ्राइड के मुताबिक इस ड्यूरेशन में चाइल्ड का जो फोकस होता है वो ओरल प्लेजर की तरफ होता है। ओरल प्लेजर मींस यानी ब्रेस्ट सकिंग से, क्योंकि बच्चा तो बहुत ही छोटा होता है, उसको जो प्लेजर मिलती है उसको उसके माउथ से ही मिलती है। इस स्टेज के दौरान वो कंफर्ट और ट्रस्ट को फाइंड आउट करता है। फ्राइड के मुताबिक अगर यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन हो जाए, यानी अगर वो ब्रेस्ट सकिंग बहुत ही कम हो या बहुत ही ज़्यादा हो तो वो जो बच्चा है उस बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो ओरल पर्सनैलिटी बन सकती है। अगर वहाँ पे फिक्सेशन हो जाए यानी अपने नाखूनों को काटेगा, स्मोक करेगा, ड्रिंक करेगा, ओवर ईट करेगा या दूसरों पर जो है डिपेंड हो जाएगा। दूसरी स्टेज है हमारी एनल स्टेज। एनल स्टेज की जो ड्यूरेशन है वो है 18 मंथ्स टू 3 इयर्स, यानी आप इसको 2 इयर्स से 3 इयर्स तक भी ले सकते हैं। इस स्टेज के दौरान जो चाइल्ड का फोकस होता है वो ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल की तरफ होता है। फ्राइड के मुताबिक ब्लैडर और बाउल कंट्रोल ये जो है उसकी पर्सनैलिटी की एक मेन रीज़न बनती है कि वो अडल्टहुड में क्लीननेस को प्रेफर करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा मैसी रहेगा। फ्राइड का मानना है इस स्टेज के दौरान पेरेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को इस पे प्रोडक्टिव फील करवाएं, यानी वो ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल पे जो है उनको प्रेज और रिवॉर्ड दें, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से करवाएं, तो उनकी जो पर्सनैलिटी बनती है वो बहुत ही प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी बनते हैं, यानी वो बच्चे कॉम्पिटेंट बनते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चे की इस स्टेज में बहुत ही लीनियंट हो यानी बहुत ही लेजीनेस को यूज़ करें तो उनके बच्चे की जो पर्सनैलिटी बनती है वो एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी बनती है, यानी उनका जो बच्चा है वो बाद में बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, मैसी और वेस्टफुल बनता है। अगर पेरेंट्स इस स्टेज के दौरान बहुत ही स्ट्रिक्ट बने, यानी अपने बच्चे को जो है टॉयलेट ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फोर्स्ड करें, यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बने, तो उनके बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी बनती है। एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी का मतलब होता है यानी उस बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो बड़े होके बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन, क्लीननेस और कंट्रोल की तरफ माइल होती है। उसके बाद थर्ड स्टेज है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज की जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर से 6 ईयर के दरमियान है। इसमें जो हमारा एरोजीनियस जोन है यानी जो प्लेजर जोन है वो जेनिटल की तरफ होता है। यही जेनिटल फ्राइड की एक इम्पॉर्टेंट आइडिया की तरफ भी फोकस करती है, जिसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फ्राइड का मानना है कि इसमें जो बच्चे होते हैं यानी जो लड़के होते हैं उनका माइंड जो अनकॉन्शियसली सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ माइल होता है, और वो सेक्सुअल डिज़ायर उनकी मदर की तरफ होता है। फ्राइड के मुताबिक
जो एक लड़का है उसके सेक्सुअल बिहेवियर अपनी मदर की तरफ माइल होना स्टार्ट होता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपने फादर से एक तरह से जलन महसूस करता है और उसके मन में हमेशा ख्वाहिश रहती है कि मैं फादर को इस जगह से हटा दूं, यानी उसकी जो मदर की फुल अट्रैक्शन है या फोकस है वो उसकी तरफ हो, यानी उस लड़के की ये ख्वाहिश होती है। और साथ ही साथ उस बच्चे को कैस्ट्रेशन एंजाइटी भी डेवलप होती है, यानी उसको कहीं ना कहीं ये डर भी रहता है कि उसकी जो ये ऑडिपल फीलिंग्स हैं, यानी उसकी फीलिंग्स अपनी मदर की तरफ हैं, ये फादर को अगर पता चल गई तो मुझे कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी मिलेगी। फ्राइड के मुताबिक अगर इस स्टेज में फिक्सेशन हो जाए तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो सेक्सुअल डेवियंस की तरफ चली जाती है, यानी जब वो बड़ा होता है उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा होती है। 1913 में कॉल योंग ने एक और टर्म को इसके साथ जोड़ा जिसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉल योंग का मानना था जिस तरह से ऑडिपल कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों में यानी लड़कों में पाया जाता है, उसी तरह का इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फीमेल्स में पाया जाता है, यानी लड़कियों में पाया जाता है। और लड़कियों का जो है सेक्सुअली तौर पर अपने पेरेंट्स यानी फादर की तरफ जो है माइल होना, फ्राइड इस आइडिया से जो है कुछ ना कुछ डिसएग्री था, क्योंकि फ्राइड का मानना था कि हकीकत में जो लड़कियां हैं वो ये ख्वाहिश करती हैं कि काश उनके पास भी पेनस होता, यानी उनका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जेनिटल की तरफ होता है और वो हमेशा इस चीज़ पे हसद करती रहती हैं, सो उनमें भी ऑडिपल कॉम्प्लेक्स ही कहीं ना कहीं होता है। नंबर 4 स्टेज है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज तकरीबन 6 ईयर से प्यूबर्टी तक है, यानी 13 एज तक है। इस स्टेज के दौरान उसकी सेक्सुअल जो अर्जेज हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं और वो दबने के बाद वो जो एनर्जी है वो किसी सोशली एक्टिविटीज़ की तरफ जो हैं एक्सचेंज हो जाती हैं, यानी वो बच्चा सोशल इंट्रैक्शन और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में जो है मसरूफ हो जाता है। वो ज़्यादातर अपने सेम सेक्स के बच्चों के साथ खेलता है। फ्राइड के मुताबिक इस स्टेज में ना ही कोई सेक्सुअल डेवलपमेंट ज्यादा होती है और ना ही कोई फिक्सेशन की वजह बनती है। नंबर 5 है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज प्यूबर्टी से अडल्टहुड तक है। फ्राइड के मुताबिक इस जेनिटल स्टेज में उसकी वो जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो दोबारा रीअवेकिंग हो जाती है, यानी वो सेक्सुअल अर्जेस दोबारा से जाग जाती हैं और इस स्टेज में उसका जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो अपोजिट सेक्स की तरफ होता है, यानी इसमें वो लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ होता है। फ्राइड का मानना है कि अगर उस बच्चे की वो जो पिछली 4 स्टेजेस हैं वो अच्छे से पास हो जाए, यानी कहीं पे फिक्सेशन ना हो, तो वो जो बच्चा होता है वो बहुत ही केयरिंग और वेल बैलेंस्ड होता है। अगर इस स्टेज में कहीं ना कहीं फिक्सेशन हो जाए तो इंडिविजुअल सेक्सुअल प्रिजर्वेशंस की तरफ चला जाता है, यानी उसकी सेक्सुअल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसका जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों फ्राइड के ये बताए हुए 5 स्टेजेस आज भी साइकोलॉजी की फील्ड में यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारे क्रिटिक्स भी आते हैं, क्योंकि फ्राइड का ये जो किया गया काम था ये चिल्ड्रंस पे था ही नहीं, क्योंकि इसने ये जो थ्योरी दी थी वो अपने अडल्ट पेशेंट की हिस्ट्रीज की बेसिस पे दी थी, इसीलिए उनको हाइपोथेटिकली चाइल्डहुड कॉज के नाम से कहा जाता है, क्योंकि इन थ्योरीज का कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। हालांकि फ्राइड की ये थ्योरी अडल्ट पे थी, लेकिन ये आज भी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस में एज अ एक्यूरेट परफॉर्म कर रही हैं। कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें अभी भी मिल रही है और इन पर रिसर्चेस हो रही हैं। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।